पहले केस स्टडी दिस इज रिगार्डिंग दिनेश मालिक जी वर्सेस इनकम टैक्स. इस केस स्टडी इट वाज रिगार्डिंग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. जहां पे हमने देखा कंपनी वाज बीन फॉर्म फॉर विद द इंटेंशन ऑफ इवेडिंग टैक्स. तो यहां पे लॉ ने क्या बोला, इफ द इंटेंशन ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी वाज इवेडिंग टैक्स देन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स शैल बी कंसीडर्ड एज वन इन द आईज ऑफ लॉ. इट मींस वी आर डिसरिगार्डिंग व्हाट, वी आर डिसरिगार्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड मेकिंग इट वन एंड द सेम. सेकेंड केस स्टडी इज रिगार्डिंग गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉन. इस केस स्टडी के अंदर व्हाट वाज द बेसिस, कि द कंपनी वाज बीन फॉर्म टू डू द एक्टिविटीज व्हिच कैन नॉट बी डन बाय द पर्सन इंडिविजुअली, दैट इज द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी डन बाय हॉन हिमसेल्फ वाज बीन डन थ्रू हुम, वाज बीन डन थ्रू द कंपनी. तो लॉ ने बोला इफ द इंटेंशन इज हियर टू फॉर्म अ कंपनी इज जस्ट टू डू द एक्टिविटीज व्हिच कैन नॉट बी डन बाय द पर्सन इंडिविजुअली देन बाय लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल हम क्या करेंगे, by lifting the corporate will be considering both as one and the same. When you count both as one and the same, kya hoga? When you count both as one and the same, horn jo nahi kar sakta, wo company bhi nahi kar sakti. So finally, it was concluded where ke something which horn can't do personally, even the company of horn cannot do it. That was the summary to this case study. Daimler versus Conti Tires and Rubbers Limited. Is case study mein company was been incorporated in England by the investors were of Germany. When the investors were of Germany and company was born in England, it was held that even though company is in England, but by lifting the corporate will, you can understand that the beneficiaries of the company were an alien enemy. Why? Because the company was of England, investors were of Germany, and there's a war between Germany and England. And we conclude hereby that the company and its members in this case will be considered as one. If investors are enemy, the animal company will be called as enemy. So we are disregarding separate legal status. Salomon was a Salomon and Company. In this scenario, equity holders and the company will be considered as dash, same in the eyes of law. Sir, in Salomon or Salomon and Company, हमने क्या सीखा था कि separate legal entity continue होता है and continue होने पे क्या consider किया जाएगा? कि डिबेंचर होल्डर भले ही आप हो, पर डिबेंचर होल्डर को और कंपनी को आईज ऑफ लॉ में अलग माना जाएगा. इक्विटी होल्डर कंपनी को आईज ऑफ लॉ में अलग माना जाएगा, क्योंकि कॉस्ट स्टडी किसका है, सेपरेट एंटिटी का केस स्टडी था, ना कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का. मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इन दिस केस स्टडी कंपनी वॉज हैविंग एसेट्स, कंपनी वॉज हैविंग एसेट्स, बट द इंश्योरेंस ऑफ द सेम वॉज इन द नेम ऑफ द इंडिविजुअल. और ये नेम ऑफ द इंडिविजुअल मतलब उस एसेट्स का इंश्योरेंस किसके नाम पे था, कंपनी के नाम पे. वो एसेट किसके नाम पे था, इंडिविजुअल के नाम पे. तो बोला एसेट जल जाने पे लॉ ने बोला कि भाई इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा. क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एसेट कंपनी के नाम पे है, बट इंश्योरेंस एसेट कंपनी के नाम पे नहीं है, इंश्योरेंस सिर्फ इंडिविजुअल के नाम पे है, इसीलिए क्लेम नहीं मिल पाया. लॉजिक सेपरेट लीगल एंटिटी का लॉजिक. बच्चा एफ गजर वाले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. सर इस केस स्टडी में हमने क्या सीखा, इस केस स्टडी में हमने सीखा कि अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम का बेसिस माना जाता है एज अ कंपनी, और इन्वेस्टर को जब डिविडेंड दिया गया तो इन्वेस्टर क्या कहना चाह रहा है, ही सेज मेरा भी टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो कंपनी के लिए टैक्स फ्री होती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं, हम भी तो उसके इन्वेस्टर्स है. बोला नहीं, कंपनी के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम है, आपके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. तो हमारी इनकम कौन सी है, हमारी इनकम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी. मूविंग फॉरवर्ड, भावनगर एसोसिएट रबर इंडस्ट्री वाज अ वर्कमैन. सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का एक अच्छा केस स्टडी. यहाँ पे कंपनी फॉर्म किस लिए की गई थी, यहाँ पे कंपनी फॉर्म की गई थी फॉर विच पर्पजेस, कि सर वी वॉन्ट टू शिफ्ट द प्रॉफिट्स फ्रॉम अनदर टू अनदर कंपनी. वाई, सो दैट वी आर गोइंग टू पे लेस बोनस टू द एम्प्लॉइज. सो द इंटेंशन ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी वॉज टू अवॉइड पेइंग बोनस टू द एम्प्लॉइज. कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हुआ और दोनों कंपनी को एक माना गया, एक मान के क्या माना गया, टैक्सेबल दोनों प्रॉफिट हो गए, और एम्प्लॉयज का बोनस भी नए प्रॉफिट के हिसाब से होगा, जहां पे दोनों कंपनीज को एक माना जाएगा, अलग अलग माना नहीं जाएगा. एशबरी रेलवे वर्सेस रिची. एशबरी रेलवे वर्सेस रिची में हमने क्या सीखा, इन दिस केस स्टडी वी लर्न दैट कंपनी वॉज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेलवे कैरेजेस. कैन दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइनेंसिंग द कैरेज. The answer is no. It's beyond the object loss of the company. It's an ultra vires transaction. Fair enough. Royal British Bank was a third one. So, इस case study में हमने क्या सीखा?
the board of directors of the company fail to perform their duties, and if they fail to perform the duties, you cannot say third parties are liable. Company will be liable. The transaction is ultra vires the board, inter vires the company, and this will bring liability to the company. Company is liable to pay the amount of loan as a whole because the transaction was ultra vires the directors but inter vires the company. So example kaun sa tha? Loan amount borrowing as per articles of association by taking members approval. Approval members lene ki duty kiski thi? BOD ki thi. इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी, पर बोर्ड ने अप्रूवल लिया नहीं और मेंबर्स कहते हमें पूछा नहीं तो हम पैसा क्यों भरे. तो पैसा जिसने नहीं पूछा वो कौन था? आपका आदमी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसे थर्ड पार्टी लायबल होने वाले नहीं है सर. क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का ड्यूटी नहीं बनता ये जानने का कि आपके बोर्ड ने आपका अप्रूवल लिया के नहीं. हमारा काम है कि आपने बोर्ड को ऑथोराइज किया था. अब बोर्ड ने आपका अप्रूवल नहीं लिया, वो इंटरनल इरेगुलरिटी मानी जाएगी ना कि एक्सटर्नल इरेगुलरिटी. नेक्स्ट पार्ट, हॉवर्ड वर्सेस पेटेड आइवरी एंड कंपनी. सर ये किसके बेसिस पे? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी के बेसिस पे. अगर यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि आपको पता था एज अ थर्ड पार्टी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ने अप्रूवल मेंबर्स की नहीं ली थी, तो लेनी चाहिए थी, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते एट एनी कॉस्ट. आनंदी बाई लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी. सर अगर आपको पता चला कि जो जगह बेच रहा है वो बंदा कंपनी का अकाउंटेंट है, क्लर्क है, या कोई भी ऐसा बंदा है जो नॉर्मली वो काम नहीं कर सकता, आपको क्या करना चाहिए? आपको इंक्वायरी करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? आपको असेसमेंट करना चाहिए क्या सही में ही ऑथराइज है या नहीं है. जैसे कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई ज्वेलरी शॉप में जाते हो और वहां पे एक नौकर जैसा इंसान कहता है ये मैं जगह का ओनर हूँ, आपको जो खरीदना है खरीदो 10% डिस्काउंट. आपको इंक्वायरी करना चाहिए कि इतना छोटा इंसान इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप का ओनर कैसे हो सकता है. इसे कहते हैं आपको खुद जब भी डाउट लगे इंक्वायरी करनी चाहिए. अगर आपने इंक्वायरी नहीं की तो आप नेग्लिजेंट माने जाओगे, और जब आप नेग्लिजेंट माने जाओगे आप सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कैचअप नहीं कर सकोगे और फाइनली आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं. रूबिन वर्सेस रीड फिंगल कंसोलिडेटेड. सर इसमें हमने क्या सीखा? सर The share certificate has been signed by CS on behalf of directors. Sir, हमने ये सीखा था forgery के example में कि अगर share certificate पे sign चाहिए तीन directors की, but उसके बदले CS सबकी sign कर देता है, तो इसे forgery माना जाएगा. और भले ही AOI में लिखा हो कि सर share certificate sign होने से वो valid माना जाएगा, लेकिन ये valid माना क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि law ने कहा है in this case वो फॉर्जरी है, साइन उन्होंने किया ही नहीं था, इसे एब्सेंस ऑफ कंसेंट माना जाता है.